ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ 5 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ कि अगले 5 साल विच सरकार दी दिशा इस नाल तय होएगी। उन्होंने कहा कि जो पार्टी दा चोन मैनीफेस्टो है उही बजट होएगा। इस खबर से ज्यादा जानकारी देने लई साडे पत्रकार जगतार भुल्लर साडे नाल फोन लाइन जरिए चंडीगढ़ तो जुड़ रहे हैं। जगतार, तो मनप्रीत बादल का यह बयान कि चोन मैनीफेस्टो ही बजट होएगा, इसके की मायने ने? बिल्कुल बलविंदर, कह सकते कि इहदे अगर मायने सियासी कढे जां जां कह सकदे पंजाब दे वित्तीय हालातां नूं ध्यान विच रखदे अगर कांग्रेस सरकार दा जे फैसला मन्निया जावे तां कहा जा सकदा जो पंजाब दी जनता दे उन्होंने चोण घोषणा पत्र राहीं इक वादा कीता हैगा उह वादा पूरा करन वास्ते पंजाब दा जिहड़ा पलेठा जिहड़ा बजट होएगा उहदे च इह स्पष्ट हो जाएगा पंजाब दी तस्वीर कि आखिर अगले 5 सालां च मौजूदा कांग्रेस सरकार ने पंजाब नूं ध्यान विच रखते हुए किहड़े किहड़े फैसले लेने है और किहड़े किहड़े वादे पूरे करने है पहले बजट। और जिस तरह मनप्रीत सिंह बादल गए वो लगातार मीटिंगां कर रहे ने, हुण तक 25 विभागां दे अधिकारियों नाल मीटिंग कर चुके ने और सारयां दे नाल रूपरेखा तैयार की जा रही कि इह जिहड़े सरकार दे मुख बिंदू होणगे जिन्हां ते सरकार नूं अगले 5 सालां विच काम करना पएगा। और कह सकते कि हालांकि बजट 1 साल का रहेगा लेकिन कह सकते कि इस बजट के राही पंजाब सरकार की दिशा और दशा दोनों स्पष्ट हो जाएगी कि अगले 5 सालों तक पंजाब का विजन की रहने वाला है। और खास करके उन्होंने कहा कि पंजाब अजिहे बीमारी की हालत में है, कैंसर वर्गी पंजाब की वित्तीय हालत उन्होंने एक बीमारी दसा है कि यह फैसला पंजाब सरकार का इस मौजूदा हालात के नहीं होगा कि इस बजट के मिठे या कौड़े फैसले ले जाएंगे, सरकार की प्रायोरिटी रहेगी कि आखिर पंजाब नूं मुड़ विकास की पटड़ी ते किवें चाढ़ना आएगा और पंजाब के वित्तीय हालात किवें सुधारने, ये सरकार की पहली तजवीज रहेगी। और नाल दी नाल पंजाब के किसानों के नाल जो वादा किया गया वो किवें पूरा करना सरकार उसते काम कर रही है। जी जी जगतार, दो मुख्य चुनौतियां जिहड़ियां मैनीफेस्टो की गल करिए जो कांग्रेस ने जो सरकार आने तो पहला की गल कही सी, एक तो जिहड़ी तुसी गल कीती कि किसानां दा कर्जा माफ करना है, दूसरा जिहड़ियां नौकरियां की गल कहेगी, हर घर नौकरी की गल कहेगी, दोनों लई वसीले चाहिए होणगे, इनकम चाहिए होगी जिसनों लैके भी किस तरह मतलब अपने सोर्सेज वधाउणे हैं, किस तरह इनकम वधाउणी है, किस तरह रेवन्यू आवे सरकार नूं, ये जिहड़ा इसनों किस तरह नाल टैकल किया जाए, एक वड्डी चुनौती जरूर रहेगी पंजाब लई। बिल्कुल, सब तो वड्डी चुनौती ये है कि जिहड़ा पंजाब दे किसानां दा कर्जा उह किवें माफ करना हैगा। हालांकि सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसने 60 दिनों विच अपनी रिपोर्ट देनी हैगी लेकिन जिस तरह मनप्रीत सिंह बादल पहला ही जनतक तौर पर ऐलान कर चुके कि जे यूपी की गवर्नमेंट ने किसानों का कर्जा माफ करने वास्ते फैसला लिया पंजाब उस तो वड्डी छलांग मारेगा। तो हुण क्योंकि जून के महीने बजट आ जाना है और जितों तक मसला है कि सरकार का जो नारा से पंजाब के नौजवानों जो किया गया घर घर नौकरी, इससे भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि जिस तरह पंजाब के मनप्रीत सिंह बादल ऐलान कर चुके कि काफी कारखाने लगने आ गए और हर कारखाने के हजारों नौजवानों नौकरी मिलेगी और क्योंकि नौकरी जरूरी नहीं कि सारे सरकारी दी जाए लेकिन सरकार की जी प्रायोरिटी मिला था कि पहले बजट के पंजाब की जवानी के किसानी बारे जो सरकार की दिशा होगी वो जी तस्वीर और बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जी जगतार, बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी जानकारी के लिए। तो यह जो खास गल् ने मनप्रीत बादल दियाँ की कुछ किया खजाना मंत्री ने, उन्होंने जबानी तुम्हें सुनाने। बजट की तैयारी जी इस वे चल रही है और क्योंकि साढ़े को 25-26 महकमे है उन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स चल रही हैं 4-4, 5-5 घंटे की, उन्होंने की ख्वाहिशात है, वह की चाहते हैं, बजट किस सिमत दे विच जाना चाहिए है, क्योंकि जिहड़ा बजट पहला बजट होगा अगले 5 बजटां नूं वो एक किस्म का मार्गदर्शन करेगा। सो ये जून दे विच जिहड़ा बजट आ रहा है पंजाब सरकार का, यह सब तो अहम बजट होएगा, साडा मैनीफेस्टो है, मंशूर है, उही इस बजट का रोड मैप होएगा कि असी इस मैनीफेस्टो नूं 5 सालां च किवें तय करिए, बजट का हिस्सा होएगा।